हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस आज के लिए। आपकी एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। चलो देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ राफेल। देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप उदास हो, ठीक है, उदास हो, परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, और अपनी सिचुएशन को जो है ना फेस कर रहे हो। देखो यहाँ की एनर्जी ऐसी बता रही जिसे आपकी लाइफ में कुछ खत्म हो गया है और आप उसी की वजह से और ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और ज्यादा पेनफुल सिचुएशन आपके लिए है, और ज्यादा पेन हो रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को लेकर के जो है ना आप परेशान चल रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप डीमोटिवेट हो गए हो। आपको किसी वजह से भी, आपको अपनी लाइफ में, लव लाइफ में हो या फिर ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं से आपको थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप होपलेस हो गए हो। देखो होपलेस होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो होता है बेहतर के लिए होता है, और वही एंजल्स भी बता रही है कि आपके लिए, ठीक है, कुछ अच्छा है, बना हुआ है, जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, तो क्यों ना हम उसी को एक्सेप्ट करें, है ना, जो कि हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए अच्छा है। और उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, है ना, बात ये भी है। ओके, नाइट ऑफ गैब्रियल, सेवन ऑफ राफेल, फाइव ऑफ गैब्रियल, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ राफेल। ठीक है, यहाँ की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके जो पर्सन है, देखो आप अपने लव लाइफ की वजह से परेशान हो, ठीक है, और मुझे यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में भी आप परेशान दिख रहे हो, यानी कि दोनों में आपका चल रहा है हाथ तंग, यानी कि आप क्या हो रहे हो, यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूजन में हो। कंफ्यूजन यहाँ पे आपके सामने आ रही है, और कंफ्यूजन आपके लिए धीरे 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 करके जाना ये बड़ी हो रही है। कंफ्यूजन जो है ना आपको कहीं हद तक क्लियर नहीं होने दे रही है आपकी कंफ्यूजन। आपकी कंफ्यूजन कुछ ज्यादा है ना, लार्ज वे में बड़ी हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो एनर्जी है ना, यहाँ पे देखो आपको डिसीजन लेना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और इस समय भी आप कंफ्यूजन में हो ना, तो इस समय कंफ्यूजन में मत रहो। आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको लाइफ में आगे जाना चाहिए। आप बेकार के टेंशन में हो अभी आप, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो भी अभी आपका सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी बात मानो, उस चीज को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मैं हमेशा के लिए नहीं कर रही, लेकिन कुछ टाइम के लिए भी छोड़ो, क्योंकि अभी आपका फ्यूचर सामने है और आपको बहुत सारे काम करने हैं। आप लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीजों में फंस जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि
आप परेशान हो इसी वजह से, आपके लाइफ में ड्रामा चल रहा है ना, यानी कि आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले और आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोग में आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, है ना। तो जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का समाधान निकालो, ठीक, और अपने अंदर पेशेंस रखो, अपने लिए पेशेंस रखो, अपने लिए आप पेशेंस रखोगे, पेशेंस रखोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। ऐसे गुस्से में आ करके अपने गुस्से को थोड़ा बहुत कंट्रोल करो, क्योंकि आपके अंदर गुस्से वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपको अपने आप को कंट्रोल करना ही होगा, कंट्रोल करोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना। आपके देखो कोई नहीं चाहता है, हमारा दुश्मन हो या हमारे खुद के घर वाले भी क्यों ना हो, जैसे कि होता है ना कि हमारे अंकल आंटीज, है ना, तो क्या होता है, हर कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर फादर के लिए, है ना, अपने सिस्टर्स के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए, है ना, आपको करना पड़ेगा ये सब। तो मेन है ना कि आप इसी उलझन में उलझे हुए हो, यानी कि आपके जो भी हैं फैमिली से हो या फिर बाहर से हो, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपके देखो यहाँ पे कार्ड आया है कि यही समय है, ठीक है, यही राइट समय है जब आप एक्शन लोगे, जब आप डिसीजन लोगे, क्योंकि इस वक्त सब कुछ जानकर, सब कुछ समझकर आप जो करने जा रहे हो या जो कर रहे हो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, है ना, तो आप करो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, आपके अंदर वो पावर है, वो जज्बा है, वो एक एनर्जी है, ठीक है, जो हर किसी में नहीं होती है, और आपको ईश्वर ने दिया है वो पावर, तो क्यों ना यूज करें, है ना। तो आप जो है ना काफी काफी अच्छे पर्सन हो, ठीक है, बट अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, बहुत सारी चीजें जो है ना सही होने लगेंगी, धीरे 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 करके बहुत सारी चीजें सही होने लगेंगी। आपको बहुत सारी चीजें भूल जानी भी पड़ेंगी, पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, उनको भूलना पड़ेगा आपको, और भूल करके तब आगे बढ़ना होगा। देखो भूलोगे कुछ चीजें, है ना, तभी हम अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे, नहीं भूल पाते ना हम तो नहीं बढ़ पाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है। तो जो भी है पुराना समझो कि कचरा था वो, और फेंक दो, है ना, अपने अपने दिमाग से वो कचरे को बाहर निकालो और भूल जाओ, आपका दिमाग खाली करो और फिर से देखो फ्रेश एकदम कितना अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपके लव लाइफ में भी कुछ बेहतरीन से चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि रियूनियन होने वाला है, जैसे कि फैमिली मेंबर अगर जिससे शादी कराना चाहते हैं आपकी, है ना, उनसे शादी हो सकती है आपकी। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा खासा टाइम आने वाला है आपका, बहुत ही अच्छा खासा टाइम, जो कि आप काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, है ना, काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो वो अच्छा खासा टाइम जो है ना आपके लाइफ में आने वाला है। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब कोई सवाल पूछिए आप अपने मन में, उसका जवाब मैं निकालती हूँ इन कार्ड्स के द्वारा। कोई मन में एक सवाल, उसका जवाब हाँ या ना में मिलेगा आपको। चलो दूसरा कार्ड देखते हैं। चलो अब मैं कार्ड निकालती हूँ, ये ऊपर का कार्ड हम ले रहे हैं, यस और नो, देखते हैं कि क्या कार्ड में आया है, यस और नो। ओके, आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछो। अब कहोगे दी एंजल से कैसे पूछे, नाइट को सोते हो ना, है ना, नाइट को सोते हो, सुबह उठते हो, उस टाइम पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन जरूर मिलेंगे, बस वही है, इंडिकेशंस को आपको समझना पड़ेगा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो आपको अपनी एंजल से पूछना होगा, यूनिवर्स से पूछना होगा, है ना, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपको, ठीक
ठीक, वो आपको बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगी आज। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है, रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।